क्रीपोन भी कहते हैं। सौकुंभ उपयुक्त प्रकार से बनी तथा श्रृंखला में जोड़े गए सौ सेलों की शक्ति का पानी पर प्रयोग करेंगे तो पानी अपने रूप को बदलकर प्राणवायु ऑक्सीजन तथा उदान वायु हाइड्रोजन में परिवर्तित हो जाएगा। कृत्रिम स्वर्ण अथवा रजत के लेप को सत्कृति कहा जाता है। लोहे के पात्र में सुषक्त जल तेजाब का घोल इसका सानिध्य पाते ही यवक्षार सोने या चांदी का नाइट्रेट ताम्र को स्वर्ण या रजत में ढक लेता है। स्वर्ण से लिप्त उस ताम्र को शातकुंभ अथवा स्वर्ण कहा जाता है। विद्युत तार आधुनिक नौका चलन और विद्युत वहन संदेश वहन आदि के लिए जो अनेक बारीक तारों की बनी मोटी केबल या डोर बनती है वैसी प्राचीन काल में भी बनती थी जिसे रज्जु कहते थे। का सूत्र बनता है नौ सूत्रों का एक गुण नौ गुणों का एक पाश नौ पाशों से एक रश्मि और नौ आठ सात या छह रज्जु रश्मि मिलाकर एक रज्जु बनती है। आकाश में उड़ने वाले गर्म गुब्बारे इसके अलावा अगस्त्य मुनि ने गुब्बारों को आकाश में उड़ाने और विमान को संचालित करने की तकनीक का भी उल्लेख किया। उड़ान वायु हाइड्रोजन को वायु प्रतिबंधक वस्त्र में रोका जाए तो यह विमान विद्या में काम आता है, यानी वस्त्र में हाइड्रोजन पक्का बांध दिया जाए तो उसमें आकाश में उड़ा जा सकता है। विमान वायु पर उसी तरह चलता है जैसे जल में नाव चलती है। तत्पश्चात उन काव्य पंक्तियों में गुब्बारों और आकाश छत्र के लिए रेशमी वस्त्र सुयोगी कहा गया है क्योंकि वह बड़ा लचीला होता है। वायु पुराण वस्त्र प्राचीन काल में ऐसा वस्त्र बनता था जिसमें वायु भरी जा सकती थी। इस वस्त्र को बनाने की निम्न विधि अगस्त्य संहिता में पृथ्वी का सूर्य की परिक्रमा करने का वर्णन ऋग्वेद यजुर्वेद और अथर्ववेद के मंत्रों में मिलता है। घूमती है अपनी माता अंतरिक्ष के सामने रहते हुए सूर्य रूपी पिता की परिक्रमा करती है। पृथ्वी शाह सूर्य शोषण की प्रदक्षिणा करती है।
ऋग्वेद में जल की उत्पत्ति यानी H2O का उल्लेख है। जल की प्राप्ति के लिए मैं पवित्र ऊर्जा एनर्जी वाले मित्र ऑक्सीजन और दोषों को नष्ट करने वाले वरुण हाइड्रोजन को ग्रहण करता हूँ। यजुर्वेद में सूर्य में उच्च जल तत्व यानी हीलियम का संकेत किया गया है। उच्च शक्ति से युक्त हाइड्रोजन जो कि हीलियम के रूप में है सूर्य में है। सूर्य के चारों ओर गैसों के समूह का उल्लेख ऋग्वेद में है। ऋग्वेद में ही सूर्य की गति और प्रकाशक होने का वर्णन है। हे सूर्य, तू ऐसे वेग से जो कि मनुष्य के ज्ञान से बाहर है, सबको दिखाई देता हुआ सदा चलता रहता है। विश्व के प्रथम वैज्ञानिक अथर्वा ऋषि के अनेक आविष्कार का उल्लेख वेद में प्राप्त होता है। एक वृक्ष आदि से अग्नि ऊर्जा। अथर्वा ऋषि ने मंथन घर्षण फ्रिक्शन से ऊर्जा उत्पन्न की। अरण नामक वृक्ष की लकड़ी में अग्नि है। दो पत्थरों की रगड़ से भी अग्नि उत्पन्न होती है। दूसरा, जल मंथन से अग्नि हाइड्रो इलेक्ट्रिक हाइडल। अथर्वा ऋषि ने तालाब के जल से मंथन फ्रिक्शन के द्वारा जलीय विद्युत हाइडल का आविष्कार किया। तीसरा, भूगर्भीय अग्नि पुरुष अग्नि ऑयल एंड नेचुरल गैस। अथर्ववेद में सूर्य से पदार्थों के प्रकाशित होने अर्थात वर्ण कलर प्राप्त होने का वर्णन है। ऋग्वेद में सौर ऊर्जा का स्पष्ट उल्लेख प्राप्त होता है। इसके आविष्कारक वशिष्ठ एवं भारद्वाज बतलाए गए हैं। ऋग्वेद में सूर्य की घातक किरणें अल्ट्रावायलेट रेज का वर्णन है। ऋग्वेद और अथर्ववेद में ओजोन परत यानी ओजोन लेयर का वर्णन है। गर्भस्थ शिशु की रक्षा के लिए उल्व जार जेब झिल्ली परत मेम्ब्रेन होती है, उसी प्रकार पृथ्वी रूपी शिशु की रक्षा के लिए परमात्मा ने इस महद उल्व ओजोन परत की रचना की है। ये थविर थूल रूप वाला है।
इसका स्वरूप स्वर्ण के समान दिव्य आभामय है। ऋग्वेद में पृथ्वी का अपनी धूरी पर घूमना बतलाया गया है। पृथ्वी की सात परतों यानी स्ट्रेटा का उल्लेख ऋग्वेद में है। वेदों में पर्यावरण के संघटक तत्वों का निरूपण अनेक स्थानों पर किया गया है। जल, वायु और औषधियां, वनस्पति, ये तीनों भूमि को घेरे हुए हैं और मानव मात्र को प्रसन्नता देते हैं, अतः इन्हें छंदस, छंद कहा गया है। इनके नाम और रूप अनेक हैं, अतः इन्हें पुरुरूपम कहा गया है। लोक को ये